चलिए भाई, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। सारे लोग जल्दी से आ जाइए भाई, लाइव फटाफट सभी लोग आ जाएंगे। एक बार बताएं ज़रा, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? वॉइस ठीक है या फिर नहीं? क्लास स्टार्ट हो गई है भाई, सारे लोग आ जाइए फटाफट से लाइव में, सभी लोग आ जाइए। निधि गुड इवनिंग, खुशी गुड इवनिंग, और बाकी लोग जल्दी से आ जाएं भाई फटाफट। मनीष गुड इवनिंग, अदिति, रुद्राक्षी, नेहा, प्राची, शीतल, ज्योति, जल्दी जल्दी आइए। दिया गुड इवनिंग, सभी लोग फटाफट से आएंगे, जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग। क्लास हमारी लाइव स्टार्ट हो गई है और हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर क्विज शो, और जिसमें हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन। जल्दी जल्दी आएँ भाई सारे लोग। एक बार अपनी क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा कुछ उसमें चेंज है तो एक बार देख लीजिएगा। जो हमारी यहाँ पर रूटीन क्लासेस होती हैं उनका टाइम टेबल एक बार चेक कर लीजिएगा सारे लोग। ग्रुप पर मैंने डाल दिया है, अगर किसी ने चेक नहीं किया हो तो आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें चेंज है क्योंकि। ठीक, चलिए जल्दी आए बाकी सारे लोग, फटाफट से जुड़िए भाई, जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे फटाफट। चलिए, आवाज़ एकदम ठीक है और चलिए वॉइस एंड ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें एकदम क्लियर हैं। जल्दी जल्दी जुड़ें भाई सारे लोग, जल्दी से आइए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर क्विज शो, और दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माई सेल्फ सीमा अग्रवाल, एंड आई एम दी फैकल्टी एट सिविल एकेडमी, और 5+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स का शो हमारा होता है वीक में 2 से 3 दिन, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, ये सारी चीज़ें आप सिविल एकेडमी के ऐप से आपको मिल जाएंगी। ठीक ठीक है, टेस्ट की नई डेट आपको बता दी जाएगी मनीष, क्लास में ग्रुप पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेस्ट इस सैटरडे हमने नहीं रखा है। चलिए, नोट्स के लिए और पीडीएफ्स के लिए, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं ज्वाइन किया, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें इसे, सिविल एकेडमी IAS के नाम से, और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी मिलता है हिंदी में और इंग्लिश में, तो इसे ज़रूर से आप लोग ज्वाइन करके रखें। गुड इवनिंग तनु एंड मनीष और ममता, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसा कि हम हमेशा अपने शो की शुरुआत करते हैं किसी सिंपल छोटे से क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे करके हम टफ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं उनको हम इस शो में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ईगल 44 जिसे हम ओघाब 44 इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ऑफ विच कंट्री, ये किस कंट्री का अंडरग्राउंड बेस है पहला, एयरफोर्स अंडरग्राउंड बेस जो है वो है आपका किस कंट्री का, जिसका नाम है ईगल 44। छोटी छोटी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स में। ठीक है, गुड इवनिंग जैश्निक, गुड इवनिंग, और आंसर करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का, क्या करेक्ट आंसर है इसका। चलिए जल्दी से बताएं, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ ईगल 44 इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का है? तो सारे लोग कह रहे हैं ए, नेहा, खुशी, निधि, तनु, सभी कह रहे हैं ए, एब्सोल्युटली राइट, आप लोगों ने पढ़ा है ईरान इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही है ईरान, और ईरान में आपका पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस जो है वो बनाया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे ए इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर, और इसका नाम है ईगल 44। कई बार आपको कंफ्यूज करके दे सकता है कि व्हाट इज़ ईगल 44, अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ ईगल, ये भी दे सकते हैं वो आपको, तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ नथिंग बट द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस जो कि ईरान में बनाया गया, एंड ये कैपेबल होगा हाउसिंग फाइटर जेट्स को, फाइटर जेट्स को रखने के लिए कैपेबल होगा, जो कि क्रूज़ मिसाइल से इक्विप्ड होंगे, ऐसे फाइटर जेट्स को रखने में ये कैपेबल होगा एयरफोर्स का जो बेस बनाया गया है ईगल 44। ठीक, ये है आपका बेस, इट इज़ लाइक दिस, इस तरीके का बेस जो है ये बेस आपका बनाया गया है फाइटर जेट, जहाँ पर क्रूज मिसाइल जिससे हम लॉन्च कर सकते हैं उसको रखने में भी ये कैपेबल होगा। नाउ ठीक, बाकी तो हमें और कुछ ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2,
बार्ड इज एन एआई चैटबोट। इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है आपका चैटबोट, चैटबोट बहुत ज्यादा इस समय न्यूज में चल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट, GPT चैटबोट, GPI चैटबोट, ये बहुत न्यूज़ में इन समय चल रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर में दिखे तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, उसको पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज इट इज़ इमर्जिंग एरिया। तो बार्ड इज़ एन AI चैटबोट दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय विच टेक मेजर। बार्ड क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबोट है। इसे किसके द्वारा, किस टेक मेजर के द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, ट्विटर। कौन सी आपकी टेक मेजर है जिसने डेवलप किया है आपका बार्ड, जो कि एक AI चैटबोर्ड है? चलिए, प्राची कह रही है बी, खुशी बी, नेहा बी, दिया, तनु, जश्निक, मनीष बी, रुद्राक्षी सी कह रही हैं मेटा। ओके, बाकी लोग जल्दी आंसर करें। मनीष भी कह रहे हैं बी, पहले कह रहे थे सी, अब आजकल कह रहे हैं बी। ओके, ममता कह रही हैं बी, एब्सोल्युटली राइट, बी इज़ द राइट आंसर। तो गूगल, गूगल ने अपना एक AI चैटबोट निकाला है जिसका नाम है बार्ड। बार्ड इज़ अ AI चैटबोट, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित चैटबोट है। किसका? गूगल का। तो ध्यान रखेंगे, गूगल का है बार्ड, AI चैटबोट है जिसे डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा एज अ कॉम्पिटिटर फॉर द पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट बैग्ड चैट GPT। माइक्रोसॉफ्ट बैग्ड जो चैट GPT है, कॉम्पिटिटर के रूप में उसके लिए आपकी जो गूगल है उसने निकाला है बार्ड। बार्ड का इस्तेमाल बेसिकली क्या होगा? तो बार्ड क्या करेगा? बार्ड जो कि एक चैट बोट है AI आधारित, ये यूज़ करेगा AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, टू जनरेट आंसर्स इन टेक्स्ट, देन क्वेरीज आर टाइप्ड बाई दी यूजर्स। जब यूजर्स अपनी क्वेरीज को किसी प्रॉब्लम, जैसे हम एलेक्सा से आंसर्स मांगते हैं, तो वो भी बेसिकली क्या है? AI डिपेंडेंट, AI आधारित आपका एक तरीके से चैट बोर्ड है। तो हम उसमें उससे क्वेरी कुछ पूछते हैं टाइप करके, और फिर वो हमें आंसर देती है टाइप्ड फॉर्म में ही, टेक्स्ट फॉर्म में ही। कुछ उसके अंदर इनबिल्ट आंसर्स होते हैं जो हम डाल देते हैं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर वो हमें आंसर करके देती है। जैसे सेम आप जब GPS लगाते हैं तो जो एक वहाँ से बोलती है आपकी, वो भी। तो दिस चैटबोर्ड विल फंक्शन बेस्ड ऑन दी AI मॉडल जिसका नाम है लैम्डा। एक AI मॉडल जिस पर काम करेगी, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल इन 2021 एज अ जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। बात करते समय, डायलॉग एप्लीकेशन करते समय उसका इस्तेमाल करके कैसे आपकी क्वेरीज को आंसर किया जाता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ योर, यस दिस इज द मेन फंक्शन, बिल्कुल। सर्च ऑप्शन जो सर्च असिस्टेंट देता है आपको गूगल भी, इट इज़ अगेन ऑल्सो दी, आप कह सकते हैं कि AI आधारित है। चैट बोर्ड से मतलब होता है कि बात आप जो लिख करके दे रहे हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर। अ चैटबोट इज़ व्हाट? इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सिम्युलेट्स ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन विद यूजर्स वाया चैट। चैट करके यानी लिख करके, व्हाट्सएप पे जब हम चैट करते हैं तो इस तरीके का लिख करके जो आपका ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन कर सके। बट होता क्या है, AI आधारित कोई सॉफ्टवेयर, आपका एक सॉफ्टवेयर वहाँ पर होता है, उसे हम कहते हैं चैटबोट। इट्स की टास्क इज़ टू आंसर यूज़र क्वेश्चंस विथ इंस्टेंट मैसेजेस। इंस्टेंट मैसेज आपने किया, आपने कुछ पूछा, उन्होंने इंस्टेंट मैसेज रिप्लाई कर दिया उस चैटबोट ने कि इसका आंसर क्या होगा। वो होता है बेसिकली आपका चैटबोट। कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर जब हम कह रहे हैं तो इट इज़ मीन्स कि इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है और फिर आपको आंसर निकाल करके ह्यूमन कन्वर्सेशन करके देता है। तो ध्यान रखिएगा, बार्ड क्या है? AI चैटबोट है। किसका? गूगल का। ठीक, चलिए, अच्छा ठीक है। गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कृष्ण कुमार, गुड इवनिंग बाकी के लोग जो बाद में जुड़े हैं, सबको गुड इवनिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन है आपका ग्रहणेश्वर टेम्पल। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में रहा ग्रहणेश्वर टेम्पल, ग्रिशनेश्वर टेम्पल आपका अभी हाल ही में न्यूज़ में था।
इससे रिलेटेड आपको दो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है. घृष्णेश्वर टेम्पल, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल ऑल्सो नोन एज घूष्मेश्वर टेम्पल, यानी जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल है इसे हम घूष्मेश्वर टेम्पल भी कहते हैं और ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में. थर्ड कह रहे हैं कि इसे रीबिल्ट कराया गया था, जो अभी करंट फॉर्म में हम देखते हैं इसको रीबिल्ट कराया गया था 18th century में अहिल्याबाई होलकर इंदौर की जो थी उनके द्वारा. सही आंसर आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट क्या है, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only या फिर सभी. आपको आंसर करना है जो कि क्वेश्चन है रिलेटेड टू घृष्णेश्वर टेम्पल, जिसे घूष्मेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, पहला ये पूछा गया है महाराष्ट्र में स्थित है ये पूछा गया है, और तीसरा कहा गया है कि जो अभी हमें दिखाई देता है या अभी जो इसकी प्रेजेंट बिल्डिंग है, प्रेजेंट टेम्पल है, 18th century में इसको अहिल्याबाई होलकर इंदौर में उनके द्वारा बनवाया गया था. आपको बताना है सही आंसर इसका क्या है. चलिए ममता कह रही हैं डी रुद्राक्षी डी डी, मनीष कह रहे हैं सी, कृष्ण कुमार कह रहे हैं डी प्राची डी डी, सारे लोग कह रहे हैं डी. सो एब्सोल्युटली डी इज़ द राइट आंसर. तीनों बातें इस टेम्पल के बारे में बिल्कुल सही हैं. ये टेम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ज्योतिर्लिंग्स देखे थे. मैंने आपको पिछले दिनों करंट अफेयर्स में एक ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इंडिया में कितने टोटल ज्योतिर्लिंग हैं, कौन सा कहाँ पर स्थित है, उसकी एक लिस्ट दी थी. उसमें भी आपका ये टेम्पल जो था वो है. 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो ये भी है. दैट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज, बिल्कुल सही कह रही हैं रुद्राक्षी, बिकॉज हिलरी क्लिंटन रिसेंटली यहाँ पर विजिट करके आई हैं और इसीलिए यह आपका टेम्पल जो है वो न्यूज़ में था. US की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने अभी हाल ही में यहाँ पर विजिट किया और ये टेम्पल जिसका नाम है घृष्णेश्वर टेम्पल 12th ज्योतिर्लिंग है हमारे देश का. भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से 12वां ज्योतिर्लिंग ये है. अगर हम बात करते हैं इस टेम्पल की, तो इस टेम्पल को घूष्मेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है. ज्योतिर्लिंग हम सभी जानते हैं, सारे के सारे लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं. और ये जो घृणेश्वर या घृणेश्वर जो मीन है, इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ कंपैशन, कंपैशन का भगवान. टेम्पल हाउसेस कार्विंग एंड स्कल्पचर्स ऑफ मेनी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, ये बिल्कुल सिंपल है कि जो टेम्पल है उसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, यानी एक पवित्र स्थान माना जाता है जो भी शिव को मानते हैं उन लोगों के लिए. और ये 12th ज्योतिर्लिंग है, सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, सिचुएटेड इन महाराष्ट्र और एलोरा. दिस पिलग्रिमेज साइट इज लोकेटेड इन एलोरा, लेस देन अ किलोमीटर फ्रॉम एलोरा केव्स. एलोरा केव्स के बिल्कुल पास में ही ये मंदिर आपका दिखाई देता है और एलोरा केव्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आती हैं. अगर थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो लगभग बात करते हैं अगर, तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी में, इसको तोड़ दिया गया था. बाद में लेकिन इसको रीबिल्ट कराया गया जो हम आज फॉर्म देखते हैं 18th century में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, जब मुग़ल एम्पायर का फॉल हो गया, यानी जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर गया मुग़ल एम्पायर, तब अहिल्याबाई होलकर ने इसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन या आप कह सकते हैं रीबिल्ट कराया था. कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की अगर यहाँ पर बात करेंगे, तो रेड रॉक्स का बना हुआ है. 5-tier शिखर है, यानी शिखर जो ऊपर का हिस्सा होता है मंदिर का, जो शिखर होता है, अगर यहाँ पर देखें ये जो ये है आपका शिखर, ये 5-tier का हमें शिखर जो है ये दिखाई देता है, ये वाला. सो दिस इज आपका टेम्पल का स्ट्रक्चर है, जो है आपका घृणेश्वर टेम्पल या फिर घूष्मेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा गुफाओं के पास में. 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास तोड़ दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा, जब मुगल्स का डिक्लाइन होने लगा, फॉल होने लगा. देन 18th century में अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा से इसको रीबिल्ट कराया था.
इट इज़ वन ऑफ दी ज्योतिर्लिंग, जो 12th हमारा ज्योतिर्लिंग है वो है लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ये सारी बातें आपको इससे रिलेटेड जो हैं वो ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मिशन अंत्योदय सर्वे। मिशन अंत्योदय सर्वे के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में रहा होगा, क्या कारण है वो हम इस क्वेश्चन के आपके आंसर देने के बाद देखेंगे। पहले आप लोग इसका आंसर करिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला है द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी मिशन अंत्योदय सर्वे के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ बीन कंडक्टिंग मिशन अंत्योदय सर्वे अक्रॉस ऑल, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, अक्रॉस ऑल ग्राम पंचायत्स इन द कंट्री। यानी जो रूरल डेवलपमेंट विभाग है, रूरल डेवलपमेंट आपका जो डिपार्टमेंट है, वो मिशन अंत्योदय सर्वे करा रहा है पूरे देश की ग्राम पंचायत में, सारे देश की सभी, पूरे देश की सभी जितनी ग्राम पंचायत हैं उनमें। पर्पस क्या है इस सर्वे का? द पर्पस ऑफ दिस सर्वे इज ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स एंड लाइवलीहुड ऑफ पीपल ऑन मेजरेबल आउटकम्स थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम। इसका उद्देश्य ये है कि हम रूरल एरियाज में लाइव्स और लाइवलीहुड, यानी जीवन और जीवन के लिए जो भी काम किया जाता है, जो भी आजीविका है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें, कन्वर्जेंस कर सकें बहुत सारी स्कीम्स का, और उसके अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। तो चूज़ करना है आपको करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या डी नन। चलिए क्वेश्चन सिंपल है, आंसर अगर करेंगे तो जल्दी ही आंसर आपको इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ममता कह रही है सी। मनीष कह रहे हैं सी, दिया सी, अमृत कह रहे हैं सी, निधि सी, अदिति सी, तनु सी, सारे लोग सी कह रहे हैं, कृष्ण कुमार सी, जैश्निक सी, रुद्राक्षी कह रही हैं बी, बट सी इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सभी में, ऑल ग्राम पंचायत्स इन द कंट्री, कोई फिक्स ग्राम पंचायत्स नहीं है, कोई नंबर नहीं रखा है इस सर्वे के अंदर कि मिशन अंत्योदय सर्वे जो है ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर आपकी ग्राम पंचायत्स में नहीं किया जाएगा, सारी ग्राम पंचायत्स में किया जाएगा, देश में जितनी ग्राम पंचायत हैं सब में किया जाएगा। एंड कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट करेगा, जिसको हमने गांव के विकास की जिम्मेदारी दी हुई है। पर्पस यही है कि कन्वर्जेंस हो सके सारी स्कीम्स का, और लाइफ्स और लाइवलीहुड्स बेहतर हो सके आपके विलेज एरिया में, रूरल एरिया में। कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों अभी ये हाल ही में न्यूज़ में था? सो इट वॉज ए न्यूज़ रिसेंटली बिकॉज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है हाल ही में मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-2023, इंक्लूडिंग इसमें एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ए न्यूज़। बाकी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी हैं आपके साथ में, लेकिन एक बार और देख लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंडक्ट करेगा इस सर्वे को सभी पंचायत्स में देश की, और 2017-2018 से कंडक्ट कर रहा है। अभी नया नहीं है कि पहली बार ही कंडक्ट हो रहा है यह सर्वे, पहले भी हो चुका है, लेकिन रिसेंटली इस बार का लॉन्च किया गया है, इस बार का स्टार्ट किया गया है। एम क्या है वो हमने देख लिया। देन अगर हम बात करें तो द विलेज वाइज सर्वे इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month। एक महीने में कह रहे हैं कि हमें कंडक्ट करा लेना है, इन्वॉल्विंग कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जो भी कम्युनिटी के रिसोर्स पर्सन हैं, मे बी सिविल सोसाइटी हो सकते हैं, और कम्युनिटी के जो भी और रिसोर्स पर्सन हैं उनका यूज़ करके वी विल ट्राई कि इस सर्वे को एक महीने में ही कंडक्ट किया जा सके। यूज़ क्या होंगे, हमें अच्छे से वहाँ की जानकारी मिलेगी तो स्कीम्स बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, कमियाँ पता चल सकेंगी, जो स्कीम्स हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं, उनमें क्या कमियाँ हैं वो भी पता चल सकेंगी। सो दिस इज़ ऑल दी एम है जो इस स्कीम के, या फिर एम है इस सर्वे को कंडक्ट कराने के। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू तर्कश।
TARKASH तर्कश से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। गुड इवनिंग संजीव, बहुत दिनों बाद तुम्हारी तुम क्लास में दिखाई दे रहे हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं, दोनों में से क्या है। पहला, इट इज़ एन ऑनगोइंग इंडो यूके जॉइंट एक्सरसाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूके स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस। यह एक ऑनगोइंग यानी चल रही है इंडो यूके जॉइंट एक्सरसाइज है, इसका नाम ये है, और ये कंडक्ट की जा रही है बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG एंड यूके स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस SOF। देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं, इस बार का दिस ईयर फर्स्ट टाइम दिस एक्सरसाइज इंक्लूडेड केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स इन इट्स ड्रिल। यानी पहली बार इसके अंतर्गत केमिकल बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर जो भी वेपन्स हैं, टेरर रिस्पॉन्स है, रेडियोलॉजिकल वगैरह, उससे रिलेटेड ड्रिल भी की जा रही है। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। गुड इवनिंग सृष्टि, गुड इवनिंग। चलिए भाई फटाफट से बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है। रुद्राक्षी कह रही हैं ए, रितिका कह रही हैं ए, ममता कह रही हैं डी, नेहा कह रही हैं ए। जल्दी जल्दी आंसर करें। अबाउट दी तर्कश, देखा होगा बड़ा अच्छा फोटो था जो हिंदू अखबार में इसका आया था, एक्सरसाइज का अच्छा सा फोटो था जो हिंदू अखबार में आया था। इंडिया है, एक्सरसाइज है, ये सारी बातें सही हैं। बाकी आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। संजीव भी कह रहे हैं ए, अदिति कह रही हैं ए, अदर प्राची कह रही हैं डी, अमृत ए। जल्दी जल्दी आंसर करें भाई, फटाफट से आंसर करिए जल्दी। खुशी कह रही हैं डी, अमृत कह रहे हैं ए, कृष्ण कुमार कह रहे हैं ए, शीतल कह रही हैं डी। ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पहली बार इस एक्सरसाइज में तर्कश जो एक्सरसाइज है, पहली बार फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर यानी CBRN जो भी कभी ऐसे टेरर अगर आपको मिलता है, केमिकल टेररिस्ट मिलता है या कोई भी आपको ऐसा हथियार मिलता है जो रेडियोलॉजिकल है, जो न्यूक्लियर है, उससे कैसे खुद को बचाया जा सके, उसके लिए ड्रिलिंग पहली बार इसमें स्टार्ट की गई है तर्कश एक्सरसाइज के अंदर। बट स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग क्योंकि ये इंडो यूके की जॉइंट एक्सरसाइज नहीं है, किसकी है, इंडिया यूएस की है। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इंडो यूएस है जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है तर्कश, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस SOF जो है ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस एक्सरसाइज कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रशियन एलिगेशन अगेंस्ट यूक्रेन लास्ट ईयर दैट कीव हैड ऑर्केस्ट्रेटेड अ केमिकल अटैक इन खार्कीव टू ब्लेम रशिया एंड गेट मिलिट्री एड फ्रॉम द वेस्ट। हमने क्या देखा रिसेंटली कि जो आपका अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसमें बहुत एलिगेशन लगाए गए कि रशिया ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर जो भी आपके हमले हैं वो किए, साथ ही साथ केमिकल अटैक्स भी हैं जो किए हैं। तो इसका मतलब जो आपकी अपकमिंग वॉर होगी, देयर मे बी कि केमिकल बायोलॉजिकल टाइप के जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन दैट कंडीशन अपने आप को कैसे सेफ करना है, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और इसीलिए ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूएस आपस में कर रहे हैं। CBRN वेपन्स की अगर हम बात करें, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, इन्हें हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। बहुत बड़े आपके पब्लिक का, बहुत सारी पब्लिक का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। Have been used by states and terror elements in the past में use कई बार हो चुका है। Most recent इसको use किया गया है सरीन गैस अटैक। अब सरीन गैस basically एक chemical compound है जिसका इस्तेमाल किया गया सीरिया में 2017 में, और जिसके अंतर्गत 100 लोगों की लगभग death हो गई। तो this is a kind of chemical
वेपन जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है. ठीक ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज रिलेटेड टू गगनयान मिशन. रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज, गगनयान मिशन हाल ही में चर्चाओं में था. उससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आपको फाइंड आउट करना है विच इज करेक्ट. सही क्या है आपको ये बताना है. सबसे पहला, इसरोज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी इसरो का GSLV जो है वो यूज किया जाएगा फॉर द मैंड स्पेस मिशन. यानी गगनयान आपका मैंड स्पेस मिशन है, उसके लिए इसरो का GSLV इस्तेमाल किया जाएगा. क्या ये बात सही है. नेक्स्ट नंबर टू, द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 300 to 400 किलोमीटर. यानी गगनयान मिशन के अंतर्गत जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा जिसकी हाइट लगभग 300 से 400 किलोमीटर होगी. क्या ये बात सही है. दूसरा, तीसरा कह रहे हैं, गगनयान मिशन में टोटल 3 फ्लाइट्स विल बी लॉन्च्ड, अमंग देम 2 will be manned flight. गगनयान मिशन में कुल 3 फ्लाइट लॉन्च की जाएंगी जिसमें से 2 manned flight होंगी. अब आपको बताना है सही क्या है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं. आराम से आंसर करिएगा क्वेश्चन को सिंपली पढ़ के. अच्छा क्वेश्चन है, गगनयान मिशन बहुत न्यूज़ में इस समय चल रहा है, आपको बताना है सही क्या है. रुद्राक्षी कह रही हैं सी, मनीष कह रहे हैं सी, बाकी के लोग फटाफट आंसर करिए. सी मीन्स 1 and 3 ओनली. ओके, तनु कह रही हैं ए, दिया कह रही हैं, रितिका कह रही हैं ए, अमृत कह रहे हैं सी. गगनयान मिशन आपका रेडी होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकता है बिकॉज इट इज़ अपकमिंग मिशन ऑफ इंडिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है आपसे. प्रीवियसली मॉप पर क्वेश्चन पूछा गया है, मिशन मंगल पर क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है. खुशी कह रही है ए, बाकी के लोग फटाफट आंसर करें. प्राची भी कह रही हैं ए, जल्दी से बाकी के लोग आंसर करिए. सिंपल गगनयान क्वेश्चन, गगनयान मिशन पर क्वेश्चन है. इससे पहले आदित्य मिशन पर भी क्वेश्चन मैं आपको पूछ चुकी हूँ. तो मिशंस ऑलवेज इम्पॉर्टेंट होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और कोई बाकी, यस ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. 1 and 2 बिल्कुल सही है. पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो एकदम सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है. तीसरे स्टेटमेंट में ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें 3 फ्लाइट होंगी, यानी 3 फ्लाइट इसमें होंगी, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 फ्लाइट होगी जो मैंड फ्लाइट होगी. 1 फ्लाइट विल बी मैंड फ्लाइट, नॉट दी 2 फ्लाइट्स विल बी मैन फ्लाइट. ठीक है, 2 फ्लाइट नहीं है, 1 फ्लाइट है जो मैंड फ्लाइट होगी. जिसने भी ये आंसर दिया है एब्सोल्युटली राइट है. ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. GSLV को यूज़ किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए. और GSLV के बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की, तो था हमारे पास में कि ये आपका 2 फ्लाइट नहीं है मैंड फ्लाइट, 3 में से 1 फ्लाइट है जो मैंड फ्लाइट है और लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा स्पेस क्राफ्ट. ये भी बात सही है. न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली इसरो ने अलॉन्ग विद इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के साथ में मिल करके कंडक्ट किया है एक इम्पॉर्टेंट ट्रायल गगनयान के लिए जिसका नाम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है. अगर हम बात करते हैं क्यों फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में मैंड स्पेस मिशन नहीं, GSLV का ही इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर. ठीक है, तो गगनयान की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 3 astronaut टू स्पेस फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days के लिए 3 astronaut को लेकर के जाएगा. इज एज फॉलोज, 3 flights विल बी लॉन्च इन टू ऑर्बिट. 3 flights होंगी जो लॉन्च होंगी आपकी ऑर्बिट्स में, 2 उसमें से अनमैंड होंगी, 1 में लोगों को लेकर के जाया जाएगा. 3 बार भेजी जाएंगी फ्लाइट्स, लेकिन 2
आपकी अनमैंड होंगी, वन लास्ट वाली जो होगी वो आपकी मैंड होगी। पहला जो ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल जो होगा वो अनक्रूड होगा, यानी क्रूज नहीं भेजे जाएंगे, लोग नहीं भेजे जाएंगे। इज बीइंग प्लान्ड बाय द एंड ऑफ 2023 अर्ली 2024। दिस विल बी फॉलोड बाय सेंडिंग व्योममित्रा। व्हाट इज व्योममित्रा? तो व्योममित्रा एक ह्यूमनॉइड है, एक रोबोट कह सकते हैं आप, इट इज़ अ काइंड ऑफ रोबोट। उसे भेजा जाएगा सेकेंड वाली फ्लाइट में। थर्ड वाली फ्लाइट में क्रूड को भेजेंगे या लोगों को भेजेंगे? तीन लोगों को। ह्यूमंस विल बी सेंड टू स्पेस इन थर्ड एक्सपेरिमेंट ओनली व्हेन द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट अश्योर दैट द प्रोग्राम इज कम्प्लीटली रेडी। अगर प्रोग्राम कम्प्लीटली रेडी लगेगा तो थर्ड फ्लाइट में ह्यूमंस को भेजा जाएगा। लास्ट अगर हम देखें तो इसरो इस्तेमाल करेगा GSLV टू बी यूज फॉर द मैंड स्पेस मिशन। ये स्पेस क्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में, और कॉस्ट हमें नहीं याद रखना। अगर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, अगर इंडिया सक्सेसफुली सेंड कर देगा, इंडिया सक्सेसफुली सेंड्स एस्ट्रोनॉट टू स्पेस, ये सिर्फ फोर्थ नेशन होगा भारत। पहले तीन हैं USA, चाइना और रशिया। तो फोर्थ स्टेट या फोर्थ नेशन बन जाएगा इंडिया ऐसा करने वाला, मैंड मिशन सक्सेसफुली भेजने वाला, गगनयान सक्सेसफुली भेजने वाला, ऐसा चौथा देश बन जाएगा भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज रिलेटेड टू फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हाल ही में कंक्लूडेड हुए हैं फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो विच इंडियन स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ऑक्सीजन क्वेश्चंस फॉर यू। थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हो गई होगी गगनयान को पढ़ के, अंत्योदय मिशन को पढ़ के, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हुई और आराम से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, किसने, विच इंडियन स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम? नेहा कह रही है डी, ममता कह रही है डी, डी डी प्राची डी, शीतल डी, रितिका डी, तनु डी, ज्योति, जैश्निक, रुद्राक्षी, और कोई? भाई जल्दी आंसर करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का। इतने लोग कह चुके हैं डी, बाकी के लोग, कृष्ण कुमार भी कह रहे हैं डी, अदिति कह रही हैं डी, और कोई? बाकी लोग और कोई क्या कह रहे हैं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए जल्दी से। सी, ओके, रितिका कह रही हैं सी बट लगा रही हैं शायद। चलिए और कोई इसके अलावा? विक्की कह रहे हैं सी। अभी तक कहाँ थे भाई तुम, अभी इतने आंसर्स में कहाँ थे? और बाकी के लोग? सी इज दी एब्सोल्युटली राइट आंसर, डी सही नहीं है भाई। मैंने यहाँ पर ये कब पूछा कि कौन होस्ट कर रहा था इसको? आप लोग सारे के सारे ये सोच रहे हैं कि होस्ट करने वाला पूछा गया है। मैंने अभी कहा कि कंक्लूड हुआ है, रिसेंटली ख़त्म हुआ है अभी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने मेडल जीते हैं। ऑर्गेनाइज हुआ था मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मैंने तो ये पूछा था मेडल टैली में कौन सबसे ज़्यादा टॉप पर था, तो महाराष्ट्र है आपका जो टॉप पर था, जो ऑर्गेनाइज करेगा वही टॉप पर होगा, ऐसा कहाँ लिखा है? जिसने ऑर्गेनाइज किया वो कैसे टॉप पर हुआ, हम कैसे कह सकते हैं कि वही टॉप पर था? मैंने पूछा था मेडल टैली में कौन आपका फर्स्ट पर रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पर। तो इन द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र ने रैंक फर्स्ट लेकर के आया है इस मेडल टैली में। 161 मेडल्स जो हैं वो महाराष्ट्र ने जीते हैं, जिसमें से 56 गोल्ड मेडल्स हैं।
महाराष्ट्र पहले भी इस टाइटल को जीत चुका है 2019 और 2020 में, ठीक, 2019 और 2020 में महाराष्ट्र पहले भी इसको जीत चुका है, इसका टाइटल ले चुका है, तो तीसरी बार महाराष्ट्र ने इसका टाइटल लिया है। हरियाणा ने क्लेम किया है फर्स्ट रनर ऑफ ट्रॉफी, उसको 128 मेडल मिले हैं, और फॉलोड बाय होस्ट मध्य प्रदेश थर्ड प्लेस पर है, एमपी इन दी थर्ड प्लेस, फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड पर आया है आपका एमपी। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो 30 जनवरी 2023 से कल लगभग चले 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश ने होस्ट किया। इसके अगर हम बात करते हैं मस्कट्स कौन कौन थे, तो मस्कट्स थे इसका मोगली, मस्कट मोगली, और दूसरा मस्कट था आशा, दो मस्कट्स थे इसके, मोगली और आशा, ठीक, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का। ये टूर्नामेंट जो है आपका कहाँ पर हो रहा था, तो भोपाल के अंदर 30 जनवरी 30 से लगभग फरवरी 11 तक 2023 तक हुआ। 27 स्पोर्ट्स थे जो इसके अंदर खेले गए, 27 स्पोर्ट इवेंट्स थे जो हेल्ड हुए, लगभग 8 शहरों में, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये पांचवा था, पिछले चार कहाँ पर हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर हुए थे पिछले चार। पर्पज़ क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, द पर्पज़ इज़ कि जो हमारे रीजनल टैलेंट है वो निकल के बाहर आए, उनकी मदद कर सकें, और दूसरी बात जो हमारे रीजनल गेम्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक गेम्स हैं, लोकल गेम्स हैं, उनको और ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें, बाहर निकाल सकें, उनके लिए जो टैलेंट है लोगों में उसको उन्हें और ज़्यादा प्रिजर्व भी किया जा सके। दिस इज़ ऑल्सो दी एम ऑफ दी खेलो इंडिया गेम्स प्रोग्राम, यूथ गेम्स, ठीक है। चलो नाउ दी क्वेश्चन नंबर 8। अभी एक बार फिर से गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, तो उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा बेसिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपके सामने है गवर्नर को लेकर के। सभी ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, बस सिर्फ आपको एक रिवीजन करना है इसमें और क्वेश्चन का आंसर करना है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स, एक से अधिक राज्यों के गवर्नर एक ही व्यक्ति बनाए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरा, ही कैन रिमेन इन ऑफिस ओनली अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, वो सिर्फ तब तक अपने कार्यालय में ऑफिस में रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहता है, यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। नाउ थर्ड कह रहे हैं गवर्नर में प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस अंडर द सर्टन सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 के अंतर्गत गवर्नर प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस अगर कोई विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति आ जाती है उस स्थिति में। आपको बताना है सही क्या है, व्हाट इज करेक्ट। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आंसर जल्दी से देंगे सारे लोग, इजी क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एट का ए, विक्की कह रहे हैं, रुद्राक्षी कह रही हैं बी, टू एंड थ्री ओनली, नेहा कह रही हैं ए, दिया ए, प्राची ए, रितिका ए, खुशी ए, निधि ए, ए ए सारे लोग, कृष्ण कुमार ए, ज्योति, शीतल, ममता, अदिति, सारे लोग ए कह रहे हैं रुद्राक्षी को छोड़ करके। रुद्राक्षी तुम क्या कर रही हो, ए इज़ द राइट आंसर भाई। कैसे तुम्हें थर्ड ऑप्शन तुम्हें कैसे सही लग रहा है मुझे बस इतना बता दो, और पहला ऑप्शन तुम्हें कैसे गलत लग रहा है। अभी तो पॉलिटी इस बार तो अभी तो पूरी कंप्लीट की है, अभी तो टेस्ट सीरीज़ का जस्ट टेस्ट हुआ था, कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती हो इतने सिंपल से क्वेश्चंस में, नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ए इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा होता है, गवर्नर का ऑर्डिनेंस जारी करने वाला आर्टिकल 132 तो कहीं से नहीं होता, 132 नहीं है, क्या है तो रिसेंटली न्यूज़ में था आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किए लगभग 6 नए गवर्नर और रीशफल किए 7 अदर्स को रीशफल किया और 6 नए जो थे उनको अपॉइंट किया गया उनके द्वारा।
अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें रिलेटेड टू गवर्नर, तो आर्टिकल 153 कहता है कि एक गवर्नर होगा हर राज्य में। वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट। एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एंड इज़ अ नॉमिनी ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है तब प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। बिल्कुल 213 होता है, आर्टिकल 213 होता है तो फिर कैसे हो सकता है। और ये भी बात बिल्कुल सही है, हम देखते तो हैं कि एक ही गवर्नर कई राज्यों का पदभार संभाल रहा होता है, संभालता है, तो कैसे गलत हो सकता है। 5 साल का टेन्योर बताया गया है, लेकिन 5 साल का टेन्योर बताया गया है बट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है। ड्यूअल फंक्शन होते हैं, ड्यूअल रोल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लिंक करता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। सैलरी एंड अलाउंसेस जो होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होते हैं, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फंक्शंस क्या होते हैं अगर बात करें, तो फंक्शंस की अगर बात करेंगे गवर्नर की, तो पता है आप लोगों को आर्टिकल 200 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। देन आर्टिकल 163 के अंतर्गत क्या कर सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो हेडेड होगी सीएम के द्वारा, और वो एड एंड एडवाइज करेगी गवर्नर को अपने फंक्शंस करने में, कुछ कंडीशंस में उसके पास लेकिन डिस्क्रिजन भी होगा। 161 कहता है कि उसके पास माफ़ करने का, रिप्रीव करने का अधिकार भी होगा। तो ये कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो गवर्नर के होते हैं, और भी हैं जैसे ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करने के लिए आर्टिकल 213। तो बेसिक क्वेश्चंस गलत मत करिए बिल्कुल। देयर इज़ नो लिमिट सेट फॉर हाउ लॉन्ग अ गवर्नर कैन विद होल्ड एसेंट टू अ बिल। एक बिल के लिए एसेंट कितने समय तक वो अपने पास होल्ड करके रख सकता है, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है। 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन देता है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू नमस्ते स्कीम, NAMASTE, नमस्ते स्कीम। दो स्टेटमेंट हैं, करेक्ट बताना है। चलो भाई आराम से पढ़िए, छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत मत करिए, बिल्कुल मत करिए। इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है, फिर गलत अगर होता है तो बड़ा दुख होता है, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। आराम से पढ़ें, आराम से उस इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन को आंसर करिए, जैसा आपने प्रीवियस दो क्वेश्चंस में आप लोगों ने किया, ध्यान रखें उस चीज़ का। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। पहला है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2022 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह। इसे मैं प्रीवियस जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई हैं, कहीं मैंने इसको डिस्कस किया है एक आध बार। द स्कीम इज बीइंग अंडरटेकन जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो स्कीम है ये जॉइंटली दो मिनिस्ट्रीज इसको काम करती हैं इस स्कीम पर। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, दोनों में से सही क्या है। प्राची ने आंसर सबसे पहले दिया है और कह रही हैं सी, निधि चौधरी भी कह रही हैं सी, दिया भी कह रही हैं सी, बाकी लोग जल्दी आंसर करेंगे क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर सी का। चलिए करिए भाई जल्दी जल्दी आंसर करिए फटाफट। रितिका कह रही हैं सी, शीतल सी, रुद्राक्षी कह रही हैं ए, तनु कह रही हैं सी, नेहा कह रही हैं सी, खुशी कह रही हैं सी, कृष्ण कुमार कह रहे हैं सी, बाकी ममता भी कह रही हैं सी, और लोग जल्दी आंसर करें फटाफट से, सारे जल्दी से आंसर करिए। अबाउट दी नमस्ते स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, ये वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी गुड स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। एनी वन एल्स, नेहा भी कह रही हैं सी, बाकी कोई और आंसर करेगा, तनु कह रही हैं सी, यस सी इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर। दोनों बातें इस स्कीम के बारे में बिल्कुल सही हैं। पहली बात, ये स्कीम आपकी 2012 में लॉन्च हुई थी और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेकेंड बात ये कि यहाँ पर दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग
एंड अर्बन अफेयर्स, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर नमस्ते का जो मीनिंग है वो क्या है, सो नमस्ते, यहाँ पर नमस्ते का जो मीनिंग है वो क्या है वो बताते हैं। पहले हम कहते हैं कि यूनियन बजट 2023-24 ने एलोकेट किए हैं लगभग 100 करोड़ रुपए, स्कीम कौन सी, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगर आपको याद हो तो लगभग 2018-19 और अगर 17 में हम जाते हैं तो हमारे यहाँ पर मैनुअल स्कवेंजिंग की जो प्रॉब्लम है हमें वो अभी भी है, बट सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रही थी उन दिनों मैनुअल स्कवेंजिंग की प्रॉब्लम, हाथ से जो मैलड होते हैं उठाते हैं, जो टैंक्स होते हैं हमारे सीवर, जो लाइंस होती हैं उनको साफ करते हैं, और कई सारे मजदूरों की उस दौरान मृत्यु भी हुई है। तब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बाहर निकल के सामने आया और इसीलिए भारत सरकार ने नमस्ते स्कीम 2022 में स्टार्ट की थी। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो जो भी लोग टैंक में, सीवर टैंक्स में उतरते हैं सफाई करने के लिए, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से उनकी जो होती है डेथ हो जाती है, बहुत ही बुरी कंडीशंस होती हैं जिन्हें उन्हें फेस करना पड़ता है। ये काम लगातार करने से उन्हें कई बीमारियां भी हो जाती हैं, इसीलिए सरकार लेकर के आई थी नमस्ते स्कीम। उसका पर्पस यही है कि जो सैनिटेशन का वर्क है दैट शुड बी मैकेनाइज्ड, वो मैकेनाइज्ड होना चाहिए, मशीन के थ्रू होना चाहिए, जिससे कि लोगों को, ह्यूमंस को ये काम करने के लिए टैंक्स में ना उतरना पड़े। सो इट्स अ वेरी गुड स्कीम जिसका उद्देश्य है इरेडिकेट अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस। जो भी सेप्टिक टैंक और सीवर टैंक्स की क्लीनिंग होती है और वो आपकी अनसेफ है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो जीरो फैटलिटीज़ हो, सैनिटेशन वर्क जब इंडिया के अंदर किया जा रहा है तो घटनाएं बहुत ज़्यादा ना हो, घटनाएं बिल्कुल ना हो, इनफैक्ट सैनिटेशन वर्क जो है स्किल्ड वर्कर्स करें जिससे कि घटनाएं और कम हो सकें। नो सैनिटेशन वर्क्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन फीकल मैटर, ह्यूमन फीकल मैटर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आना पड़े जब भी सैनिटेशन का काम किया जा रहा हो, सफाई का काम किया जा रहा हो उस दौरान। तो ये है आपकी स्कीम, ठीक है। बाकी और इससे रिलेटेड की फीचर्स जो हैं, क्या होगा इसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, किट्स वगैरह दिए जाएंगे, पीपीई किट्स जैसी जो किट्स हैं वो सर्कुलेट करना है, सेफ्टी डिवाइसेस जो हैं सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट्स को, ये सब दिया जाएगा। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने इसमें लिख दिया है कि क्या क्या इसके अंदर किया जाएगा। एक कैंपेन भी है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन जो है वो भी चलाया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, जिसमें सफाई कर्मचारियों को भी अवेयर कराने के काम की जाएगी, वहाँ पर उनके लिए भी ये काम किया जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नाउ दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ब्लैक बग। रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज, बग का मतलब होता है मृग, ब्लैक मग, काला मृग। पहला कह रहे हैं द ब्लैक बग एंटीलोप, यानी एंटीलोप का भी मतलब होता है आपका बग, द ब्लैक बग एंटीलोप यानी मृग, सॉरी, द ब्लैक बग और द इंडियन एंटीलोप इज अ स्पीशीज ऑफ एंटीलोप नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल। यानी जो ब्लैक बग है या इंडियन एंटीलोप जो है, ये एंटीलोप यानी मृग की स्पीशीज है जो नेटिव है भारत में और बंगाल में। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। इसे पंजाब हरियाणा और आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल घोषित किया गया है। आपको बताना है सही क्या है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। चलो जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नमस्ते स्कीम इज़ इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अच्छी स्कीम है। वल्नरेबल सेक्शंस इज मेंशन इन योर जीएस पेपर में, 2 में आपका वल्नरेबल सेक्शन आता है, तो ये उन्हीं की रिलेटेड स्कीम है। मैनुअल स्कवेंजर्स जो होते हैं दे कम्स अंडर दी वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन की कैटेगरी में वो लोग आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो फटाफट से। ब्लैक बग के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं, सही क्या है। हाँ जी बताइए जल्दी से सारे लोग,
हाँ नेहा कह रही है सी, रुद्राक्षी कह रही है ए, निधि कह रही है सी, बाकी के लोग जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चंस रिलेटेड विथ ब्लैक बक, एंटीलोप यानी मृग, इंडियन एंटीलोप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया कह रही हैं डी, यानी दोनों ही बातें गलत हैं। ओके, खुशी कह रही हैं सी, तनु सी, बाकी के लोग यस, सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। दोनों बातें जो हैं ब्लैक बक के बारे में एकदम सही हैं, काला मृग के बारे में बिल्कुल सही हैं आपकी दोनों बातें। पहली बात, ये एक स्पीशीज़ है जो आपकी इंडिया में भी मिलती है और हमें नेपाल में भी मिलती है, दोनों ही जगह पर यह स्पीशीज़ नेटिव है। तीन स्टेट्स जिनकी हमने बात की, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, उनका ये स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज़ योर सी। तो याद करें, अगर कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर इसलिए ये न्यूज़ में आया था बिकॉज ब्लैक बक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है 3 गुना उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो इट्स अ गुड न्यूज़, हमारे लिए अच्छी खबर है कि ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 3 गुना हो गई है। कहाँ पर? उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो ब्लैक बक की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ इंडियन एंटीलोप, इंडियन मृग है, जो कहाँ मिलता है हमें? इंडिया और नेपाल में नेटिव है। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो ये डायर्नल का मतलब है मुख्य रूप से दिन में एक्टिव होता है। ये स्पीशीज़ आपकी मुख्य रूप से दिन में आपकी एक्टिव होती है। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की शेड्यूल 1 में है। ध्यान ये रखना है कि IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, बट शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत। अपेंडिक्स 3 में आता है साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स 3 में 3 राज्य हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब का स्टेट एनिमल भी है। अगर हैबिटेट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया, ग्रासी प्लेन एरिया वहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें इसका हैबिटेट इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे गिर नेशनल पार्क गुजरात में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में, कान्हा नेशनल पार्क MP में, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में, रेनबेनोर ब्लैक बक सेंचुरी कर्नाटका में, वल्लानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर। ये सारे आपके वो एरियाज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर ब्लैक बक देखने को मिलता है। एक और यहाँ पर ध्यान रखना है, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उड़ीसा में है, पुरी डिस्ट्रिक्ट और कोणार्क डिस्ट्रिक्ट के आसपास में पड़ती हैं, वहाँ पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ गई है। तो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पर बनती जा रही है ब्लैक बग, इसकी पॉपुलेशन बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बढ़ी है रिसेंटली, दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़। ठीक, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नो क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से आंसर करेंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड विथ स्वयं। अभी न्यूज़ में था स्वयं, बेसिकली न्यूज़ में अभी था, पोर्टल है स्वयं। अब आपको बताना है इसके बारे में जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। स्वयं की अगर हम बात करते हैं तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं का फुल फॉर्म है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स वॉज लॉन्च्ड इन 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो अब है एजुकेशन मिनिस्ट्री, लेकिन पहले थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ने 2017 में इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट, इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ मोर देन 300 हाई क्वालिटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आपको बताना है इनकरेक्ट, गलत बताना है, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रुद्राक्षी ने आंसर दिया है सबसे पहले और दिया है डी आंसर। ओके, नेहा कह रही हैं डी, ममता कह रही हैं ए, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर कर दो भाई, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा अबाउट दी स्वयं पोर्टल? है क्या बेसिकली स्वयं पोर्टल, जिसके बारे में 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं इनकरेक्ट, हमको बताना है। खुशी कह रही हैं डी,
बाकी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, माजिद कह रहे हैं डी। यस, डी इज दी एब्सोल्युटली राइट आंसर, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 2017 में भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, एंड ये पोर्टल बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, अच्छी अच्छे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कराता है, और यही इसका पर्पस था कि लोग अच्छे कोर्सेज अगर करना चाहते हैं बट उनके पास डेली जाने की जो है वो सुविधा नहीं है, या फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, यूनिवर्सिटी तक एक्सेस नहीं है, तो वहाँ तक ना आके वो ऑनलाइन अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें, बेटर जो कोर्सेज हैं उनको कर सकें, इस उद्देश्य के साथ में भारत सरकार ने स्वयं पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया था, शुरू किया था। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जो उस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में ये था, विथ 2.4 करोड़ एनरोलिंग फॉर कोर्सेज विच यील्ड क्रेडिट्स, द गवर्नमेंट रन स्वयं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हेट has outperformed any other e-learning platform. तो any other e-learning platform से भी बाहर निकल के इसने इतने 2.4 करोड़ enroll करा लिए for course which yield credits, जिससे credits मिलते हैं, जिनसे हमें credit मिलता है, उधार मिलता है, उन सारे courses को करा दिया है। तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये भारत सरकार का डिस्टेंस लर्निंग, एग्जैक्टली डिस्टेंस लर्निंग पोर्टल 2017 में स्टार्ट किया गया था, और कई अच्छे अच्छे कोर्सेज जो हैं वो इसके अंदर हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे और इनिशिएटिव भी उठाए हैं, जैसे स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जब कोविड था तब इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। ई पाठशाला, एनसीईआरटी की बुक्स आपको अब टेक्स्ट बुक ई फॉर्मेट में मिल जाती हैं, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती हैं। एजुकेशन फॉर इंडिया इनिशिएटिव टू एड्रेस लर्निंग गैप्स एंड मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल। ई विद्या, पीएम ई विद्या, ये भी आपको देखने को मिलता है। कन्वर्जेंस है डिजिटल ऑनलाइन, डिजी लॉकर, बहुत सारी सुविधाएं हैं ऑनलाइन जो सरकार ने शुरू की हैं पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ जो फार फ्लंग एरियाज में लोग रहते हैं उनको एजुकेशन प्रॉपरली मिल सके उसके लिए। स्वयं इज वन ऑफ देम। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ्स में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा जितने भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस हमने आज किए और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमने देखी उसको एक बार रिवाइज अच्छे से ज़रूर करिएगा। कंटिन्यूस डेली आप लोग करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, एक मोमेंट वो आएगा कि आपको सारे करेंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। यस, अफोर्डेबल भी बनाता है, बिल्कुल स्वयं पोर्टल जो है इट ऑल्सो मेक्स द एजुकेशन अफोर्डेबल, सस्ती भी बनाता है। कई कोर्सेज तो उस पोर्टल पर ऐसे हैं जो फ्री में चल रहे हैं आपके, आराम से आप उसका एक्सेस ले सकते हैं, फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।